चैनल से आने वाली डेज ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है एंड सारे काम भी हो चुके हैं घर के। देखो बोल जी, देखो बोल बोल। हम अभी जो है प्ले कर रहे थे, लाइटिंग नहीं आ रही ढंग से, तो हम अभी खेल रहे थे तो हम अभी खेल रहे हैं और अभी कुछ नहीं है करने को। आरुष के साथ प्लेइंग हो रही है पर काम ख़त्म हो चुका है और कुछ नहीं है आज करने को मेरे को, बस मेरे को बुनाई सीखनी है आज। अब मम्मी गंदा बच्चा, मेरे को नहीं चाहिए तेरी बाल। मत कर, शॉल क्यों फेंके नीचे? रुक पहले डोर कर दर, आमा दादा वाला बंद। करू, करू। बस मैं ले आऊं चलो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ जस्ट बिकॉज ये बातें करने नहीं देगा। मैंने सोचा कि ब्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन ब्लॉग का स्टार्ट किसी और टाइम करना पड़ेगा, अभी सिर्फ क्लिप ले ली मैंने तो ब्लॉग का स्टार्ट थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तब तक मैं इसके साथ प्ले कर लेती हूँ। थैंक यू। अरे कम इसको मत मान देना। सो गाइस मेरी रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, देन मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। जैसा आपने देखा तो रूम की भी क्लीनिंग हो गई मेरी, सबसे लास्ट मेरी रूम की क्लीनिंग होती है जस्ट बिकॉज पूरे घर की करनी पड़ती है फटाफट से मतलब बहुत जल्दी जल्दी ही करनी पड़ती है। और अभी जो है मैं नहा के भी हूँ रेडी, पहले मैंने घर की सफाई हुई सब कुछ कर लिया देन उसके बाद मैं रेडी हो गई। और अभी ला था मुझे दूध लाना, आजकल जो है दूध थोड़ा लेट ले आती हूँ, पहले जल्दी ले आती थी, लेट इसलिए लाती हूँ क्योंकि जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ उनकी जो दादी माँ है वो थोड़ी बीमार रहती है तो उनका थोड़ा बहुत काम होता है करने का, वो इसमें बिज़ी हो जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा लेट चली जाती हूँ दूध लाने के लिए। तो अभी हो रही थी मैं रेडी, तो चलो पहले रेडी हो लेती हूँ एंड उसके बाद चलते हैं दूध लाने।
सो गाइस अभी जा रही हूँ मैं दूध लाने, लेकिन मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा आप देख रहे हो बादल है बहुत सारे और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो गाइस दूध लेने के बाद मैंने सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी, मतलब खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे और घर की पूरी क्लीनिंग हो गई थी मेरी। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, जो भी है आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ और चलो बने रहिए लास्ट तक। तो गाइस मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, देन सारे काम हो चुके हैं घर के और मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। बस हेयर वॉश किए थे मैंने, मतलब पूरी नहा गई थी, बट बाल गीले गीले हैं तो ठंडी हवा से सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मफलर जो है सर पे बांध लिया है। और मैं आपको मौसम दिखाने के लिए लाई हूँ, चलो आपको दिखा लेती हूँ मौसम। सो गाइस आज का मौसम, मतलब वेदर इतना ठंडा है कि पूछो ही मत। 12:30 हो रहे हैं और आप देख ही सकते हो कि ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है कुछ, और आसमान में बादल ही बादल हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है आज और सारे काम हो चुके हैं मेरे, तो बस तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं सॉरी यही ब्लॉग कंटिन्यू करना है अभी फ़िलहाल। सो अभी देखते हैं कि क्या करना है, सो कुछ खास होगा तो डाल दूँगी, नहीं तो ब्लॉग को एंड कर दूँगी। हेलो गाइज मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ वहाँ? बुआ के पास है, चलिए। अरे कह छो ना, ये बाजू कहाँ को किया तूने? ये बाजू कहाँ को किया? अंदर क्यों किया था इसके अंदर? गंदी बात होती है यार मम्मा। आप बुआ के घर जा रहे हो? बुआ के घर जा रहे हो? नहीं। एनी दीदी के घर जा रहे हो? नहीं। छरू दीदी के घर जा रहे हो? नहीं। तब कहाँ जा रहे हो? मोमो खाने जा रहे हो? नहीं। चाउमीन खाने जा रहे हो? नहीं। तब शिडू खाने जा रहे हो? नहीं। तब थप्पड़ खाने जा रहे हो? नहीं। तो मैं चाउमीन खाने जा रहा हूँ। चाउमीन खाने जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा सुबह शाम हो चुकी है, अभी हो रहे हैं 3:30 और ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। आज भी कुछ नहीं था करने के लिए, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी जो है मम्मा आरुष और पापा गए हैं
ननंद जी के घर, क्योंकि उनके जो है पापा जी की डेथ हो गई है, मतलब हो गई थी। आज 9वां दिन है, सो बैठने गए हैं वहाँ पे बातें शातें करने, एंड आरुष भी चला गया है साथ में। देन अभी जो है शाम की तैयारियाँ मेरी लग चुकी है, और मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड भी कर ही देती हूँ, तो ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।